दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और मेरे साथ ये एक तोशिबा का दो एक बोर्ड है। एक बोर्ड सिर्फ रेफरेंस के लिए रखा है हमने, ये भी ठीक हो चुका है। इसमें कोर नहीं बन रही थी तो कोर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो दोनों एक ही जैसा बोर्ड है। और ये जो तोशिबा का मॉडल होता है ये C850 होता है और पार्ट नंबर कुछ इस तरह से होगा PLF-PLR-CSF-CSR उमा मदरबोर्ड, ठीक है, ये इस तरह का पार्ट नंबर होगा। तो दोनों एक ही तरह का बोर्ड था। और खराब बात क्या है कि देखिए, कस्टमर लोग जो ना, अगर डिस्प्ले नहीं आता है तो हीट मारने लगते हैं। पीसीएच पर इस पर भी हीट मारा हुआ था। शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगा कि पीसीएच ही जाएगी, खराब हो चुकी है इसकी, तो खैर की पीसीएच बच गया था। हीट मारने से ठीक भी हो जाता है, कभी कभार ठीक चीज खराब भी हो जाती है। और इसमें कुछ यूनिक प्रॉब्लम है और मुझे उम्मीद है कि आपको, अगर आखिर तक देखेंगे वीडियो तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो रिपेयर करने वाले को आती आती होगी। ऑन है पर डिस्प्ले नहीं है, ठीक है। ऑन किया, ये 425 लोड पर रुक गया है। और अगर हम वोल्टेज की बात करें तो ऑलमोस्ट हर तरह की वोल्टेज हमने जितनी दूर तक देखी है बन रही है। इसका डायग्राम नहीं मिलेगा तो देखते हैं मेरे पास इसका क्या है। तो इस तरह से टाइप करते हैं, बोर्ड व्यू मेरे ख्याल से होगा इसका। ये देखिए ऑन ही है, ठीक है। ये है PLF, इतने में ही तो आ जाएगा। अरे कुछ नहीं है इसका, तो चलिए ढूंढते हैं, यहाँ यही ढूंढते हैं, यही तो मिल गया है। बिना फिक दे रहा है सब कुछ। चलिए, बोर्ड व्यू है और बायोस है, तो बायोस तो मेरे पास भी है, बोर्ड व्यू चाहिए था। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये इसका बोर्ड व्यू है जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। और तो ये मिल गया है हमें बोर्ड व्यू, तो जैसा कि देख रहे हैं आप, इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। क्योंकि देखिए 850 में, C850 में काफी मॉडल आते हैं, ठीक है, DA0 वाले भी आते हैं, उसमें भी Revision 2 है, Revision 3 है, और ये वाले भी आते हैं जो PLF, PLR, CSF, CSR, ये वाले भी मॉडल आते हैं। तो ये इसी मॉडल का डायग्राम है, ये इसका जो है बोर्ड व्यू है, डायग्राम इसका अवेलेबल नहीं है। तो प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पावर लगाते हैं तो ये 425 तक जाकर के होल्ड कर जाता है, और रैम भी लगा दिए तो भी यही हालत हो रही है। तो हमें क्या चेक करना चाहिए, तो हम लोग चलिए वहां से चेक करते हैं जहां पर से ज्यादा टाइम नहीं लगे चेक करने के लिए, तो कोर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले की वोल्टेज वगैरह तो बनी रही होगी, आपको भी इतना तजुर्बा हो ही चुका है कि कब क्या बनती है। तो ऑन करते हैं और कोर पर चेक करते हैं, तो आपको देख रहा है 1.16, ठीक है, 1.16 वोल्ट कोर पर हम चेक कर रहे हैं और ये हमें मिल रही है कोर पर। GFX नहीं मिल रही है, यानी डिस्प्ले अभी नहीं आ रहा है, तो GFX नहीं मिल रही है। GFX का ये भी हमने यहाँ पर कोर चेक किया, इस पॉइंट पर अभी हमने कोर चेक किया, VCC कोर, और ये GFX चेक किया यहाँ पर, तो GFX हमें नहीं मिल रही है। अब ये बताइए कि PCH के पास का हालत देखिए अभी जरा सा, आइए अभी मुजाहरा करिए। तो ये है PCH का हमारा वो पॉइंट, PCH पर दोनों बोर्ड एक ही बंदे का है, और ऊपर से हल्का हीट नहीं बोलते हैं, हीट लगा देते हैं, थोड़ा सा ड्राई करके देख लेते हैं, ड्राई वगैरह भी करके देखा गया है। अच्छा, बायस उसने भी की थी और इसकी बायस मैंने भी कर दी है, तो बायस तो 100% सही है, क्योंकि इसका दूसरा बोर्ड जो मैंने देखा है इसमें डिस्प्ले आ रहा है, तो उसी बायस से उसको भी ट्राई यहां भी किया था, तो ये बायस मेरी टेस्टेड बायस है। यहां पर सिचुएशन देख सकते हैं बिल्कुल सही है, ये छोटी छोटी मॉस्फेट लगी हुई है, बहुत अजीब तरह की मॉस्फेट होती है ये जल्दी मिलती भी नहीं है। इसका भी जुगाड़ करेंगे अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो। अब बोर्ड तो बाकी सब सही लग रहा है और काम भी कुछ खास जगह पर ज्यादा नहीं हो रखा है। आयो एक लगता है कि चेंज हुई है, ठीक है, आयो नोवोटोन लगी हुई है, NPCE 795,
LAODX, ये इसकी आयो लगी हुई है। तो काफी कंफ्यूजन होता है लेनोवो के बोर्डों में, इसलिए दिखा दे रहा हूं कि सम टाइम कोई आईटी लगी रहती है किसी किसी में, किसी में ये नहीं लगी रहती है। बहुत सारे 850 के मॉडल होते हैं, तो ये याद रखिएगा कि अलग अलग आयो मिलती है किसी किसी में। डिपेंड करता है कि वो कौन सा आर्किटेक्चर है, कौन सा मॉडल है उसका, कौन सा वर्जन है। ये चार्जिंग आईसी कौन सी लगी हुई है, 25 BQ25 लगी हुई है। तो 25 तो 10 जनरेशन में भी लगती है, ठीक है। यही बात मैं बता रहा था कि थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन से 25 ही एक ऐसी है जो लेटेस्ट जनरेशन तक में दिख रही है। तो कोर बन रही है हमारी, और जो है बाकी जो है डिस्प्ले का तो हालत देख रहे हैं आप कि 400 मिली एम्पियर लोड आ रहा है। फिर से एक बार आप यहां पर देख लीजिए कि इसका लोड कितना रुका हुआ है, 400, कोई वेरिएशन कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि रैम तो सुन भी नहीं रहा है एकदम कुछ। तो रैम खोल कर भी देखेंगे कि कितना लोड है, तो ये लोड ही गलत, ठीक है। ये बिना रैम के भी इतना ही है 478, और रैम लगा के भी 478 है। तो ये इस केस स्टडी को बनाने का क्या मकसद है, सबसे पहली बात ये कि ये एक कॉमन फॉल्ट है तोशिबा के इस मॉडल में, ठीक है। बहुत सारे बोर्ड हम लोगों ने रिपेयर किए हैं, तो आज मैं सोच रहा था कि इसको आपके सामने भी पेश करूं, ताकि आप भी जो है इससे एक्सपीरियंस लीजिए, और इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे एक कोई सा भी डायग्राम, जब आप किसी भी आर्किटेक्चर का डायग्राम जब खोलते हैं आप, तो उसमें जो पावर सिक्वेंस देखते हैं, तो सबसे लास्ट में क्या दिखता है आपको, पीएलटी रीसेट, ठीक है। यानी पीएलटी रीसेट बन रही है, तो डायग्राम के पावर सिक्वेंस के अनुसार आपका बोर्ड का जो पावर लेवल है वो ओके है, पीसीएच ओके है कह सकते हैं आप एक लेवल तक। अभी 100% की बात नहीं करेंगे, कहानी तो वहां से शुरू होती है एक्चुअली। अगर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, तो कहानी तो वहां से शुरू होती है। डायग्राम में जो हमें पावर सीक्वेंस दिखता है, वो पावर सीक्वेंस अधूरा है, एकदम ही अधूरा है। उसमें बहुत कुछ नहीं होता है, जैसे आप भी जानते होंगे उसमें बहुत कुछ नहीं होता है। जैसे आरटीसी रीसेट होता है, एसआरटीसी रीसेट तो नहीं होता है, इंट्रूडर नहीं होता है, इंटरवी रैम एनेबल नहीं होता है, बहुत सारी चीज नहीं होती है वहां पर, लेकिन चेक तो करना जरूरी होता है ना। उसी तरीके से अब जैसे क्लॉक का इन्फॉर्मेशन आपको बीच में एक बार अगर मुश्किल से मिल सकता है कि क्लॉक ओके होनी चाहिए, लेकिन क्लॉक तो बहुत सारी है। एसएम बस क्लॉक है, यू आर्ट का सेक्शन है, फिर आपकी जो है पीसीआई एलपीसी क्लॉक है, फिर आपकी रेफरेंस क्लॉक है, किसी का तो और खास इन्फॉर्मेशन होता नहीं है वहां पर, तो हम कैसे फिर ऐसे में रिपेयर करेंगे। तो सिर्फ पावर सीक्वेंस काफी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा बातों को और गहराई से समझना होगा, ठीक है। और वही हम लोग करते हैं काम, जो जानते हैं कि हम लोग यही काम करते हैं, वीडियो बना करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम तक लोग नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे पास इतना जगह भी नहीं होता है कि हम आपको बैठा के सिखा पाएंगे। हम यहीं से बैठ करके, आप भी अपनी जगह पर से बैठ करके सीख सकते हैं, इस बात की गारंटी है। तो जैसे ये केस है, इसमें हीट एंड ट्राई कर करके तो ठीक करना इम्पॉसिबल है, और साथ में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि सिर्फ जो है बोर्ड व्यू अवेलेबल है। डायग्राम होता तो फिर भी हम कॉपी पेस्ट कर करके आगे तक पहुंच सकते थे। तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं, पीएलटी रीसेट को देखते हैं। पीएलटी, अभी जो लास्ट बात की हमने, पीएलटी कहां गया है, पीएलटी रीसेट की ये एक बेंचमार्क होता है पीसीएच का, कि यहां पर से अगर आपको ये एरिया सही नजर आने लगा, तो आप कहते हैं कि हमारा जो पीसीएच है और जो पावर सीक्वेंस है वो ऑलमोस्ट, पूरा नहीं, ऑलमोस्ट ऑल राइट है। तो ये हम इसको घुमा लेते हैं, इस डिजाइन में है, ठीक है। ऐसे ही मेरा बोर्ड रखा हुआ है, आप देखिए जरा, ये देख सकते हैं बोर्ड ऐसे रखा हुआ है, और ये कुछ कुछ यहां पर की एरिया बता रहा है कि यहां पर पीएलटी रीसेट मिलनी चाहिए। तो यहां पर क्या लगा हुआ भाई, एक कोई गेट लगा हुआ है, ठीक है, पीएलटी रीसेट। तो डायग्राम तो है नहीं, तो हम कंफर्म भी नहीं कर पाएंगे कि ये एंड गेट है, नॉर गेट है, एंड गेट कौन सा गेट है, ये भी नहीं कंफर्म कर पाएंगे। बस यहां पर बोल रहा है मैं चेक करने के लिए, तो हम आते हैं, आपको लेके चलते हैं यहां पर इस पॉइंट पर, और चेक करते हैं। तो ये दो नंबर पिन पर क्या हमें पीएलटी रीसेट मिल रही है। अरे ये किसका डायग्राम खुल गया, ये इसका डायग्राम नहीं है, ठीक है, बंद कर देते इसको। तो आइए, अंधेरा कायम है, इसको दूर करते हैं। ये पीएलटी रीसेट का पॉइंट दिखा हमें, यही है ना, नाम नंबर कुछ नहीं है, तो ऐसे ही मिला लीजिए, इधर रजिस्टर, बीच में यू 2401 है, तो
आगे का रजिस्टर खाली है और इधर रजिस्टर है, बिल्कुल यही है। इसका दो नंबर पिन बोल रहा है चेक करने के लिए, तो मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पर रखा हुआ है और चेक करते हैं। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कि मुझे थोड़ा धुंधला दिख रहा है, आंख भी खराब हो रहा है थोड़ा थोड़ा उम्र के साथ। ऑन करते हैं, ठीक है। तो पीएलटी रीसेट तो पुल अप वोल्टेज है पीएलटी रीसेट पर, तो पीएलटी रीसेट को तो जानते हैं आप लोग कि डीएसओ से चेक करना होता है। तो चलिए ठीक है, पीएलटी रीसेट हाई है, कम से कम हाई है। रीसेट पर आप जैसा कि जानते हैं कि चाहे कोई सी भी रीसेट हो, चाहे ईसी रीसेट हो, आरएसएफ रीसेट हो, या आपकी पीएलटी रीसेट हो, या सीपीयू रीसेट हो, या डीरैम रीसेट हो, आप जानते हैं एक बात कि ओवरऑल रीसेट होने के बाद आपको वो हाई लेवल पर मिलनी चाहिए, यानी एक्टिव। लो अनेबल होती है, लो तो नहीं होनी चाहिए, रीसेट तो हर वक्त नहीं रखना है हमें, हमें उस पर हाई चाहिए होता है। तो यहाँ पर हाई है तो एक इंडिकेशन तो है कि लो नहीं है, हाई है, या जो कि बिल्कुल सही कंडीशन है। तो पीएलटी रीसेट तक तो हमें वोल्टेज मिल रही है, तो फिर क्या चेक करना चाहिए हमें इसके बाद? अगर यहां पर ही सवाल ये उठता है कि पीएलटी रीसेट ठीक है, तो इसके ऊपर जो है बेक करने से या इसको फ्राई करने से, SJTNB है यहां पर लगी हुई, इसको फ्राई करने से तो कुछ होने वाला नहीं है, या इसी को चेंज करना पड़ेगा, क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि देखिए कोर बन रही है, पीसीएच पीएलटी रीसेट निकाल रही है। पीएलटी रीसेट निकालने का सीधा मतलब ये हुआ ना कि पीछे की सारी पावर ओके है। तो मेरे पास लिखा हुआ भी आया है इस एस्टिमेट के लिए इसमें कि पीसीएच चेंज करना है, इसमें और इसमें दोनों में लिखा हुआ था कि पीसीएच चेंज करना है। इसको तो इसका तो हालत देखिए और ज्यादा बेग्ड है, थोड़ा सा अच्छे देखिए इसको, पावर लगा हुआ है अभी, इसको ऑफ कर देते पहले तब दिखेगा आपको। दूसरा वाला बोर्ड जो ठीक हुआ है इसमें तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, ये देखिए ये ग्लू का कलर देखिए कैसा हो गया है, ये एकदम येलोइश हो गया एकदम पूरा, ठीक है। यहां पर भी येलोइश हो गया, यहां पर तो थोड़ा सा इधर से ज्यादा हीट लगा है, ये तो फिर भी थोड़ा सा ठीक कंडीशन, इसका भी येलो है लेकिन थोड़ा ठीक है, बेहतर है। तो आप क्या कहते हैं कि पीएलटी रीसेट बनने के बाद हमें क्या आगे कम्युनिकेशन पर पहुंचना चाहिए या सप्लाई लेवल को ही चेक करना चाहिए? तो जरूर कमेंट करिए, और इसके साथ हम जो है इसके सॉल्यूशन के साथ अगर पॉसिबल होगा, इवन कि पीसीएच भी अगर चेंज करनी पड़े तो मैं वो जरूर दिखाऊंगा आपको कि अगर पीसीएच कैसे और कब हम कहते हैं कि पीसीएच खराब है, अगर चेंज करने की नौबत आई तो ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है सिर्फ अभी। आप जरा सा कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि अगर ऐसा केस आपके पास मिलता है कि रैम नहीं ले रहा है, इसके बाद आप गेस करिए कि आगे क्या क्या चेक किया जा सकता है, क्या सप्लाई लेवल में चेक करेंगे या आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड बढ़ेंगे, एलपीसी पीसीआई कम्युनिकेशन चेक करेंगे, क्लॉक का एरिया छूना शॉर्ट कर देंगे, या फिर बैक चलेंगे? क्या तजुर्बा है आपका? क्योंकि यहाँ पर डायग्राम नहीं है, सिर्फ बोर्ड व्यू है जैसा कि आपने देखा, और ये मॉडल आपको मैंने बता दिया कि C850 है, C850 CV होता है, तो ये मॉडल है, और इसमें आपको किस तरफ ले जाएंगे हमें ये चेक करने के लिए कि पीछे की तरफ प्रॉब्लम रह सकती है या आगे की तरफ, तो जरूर कमेंट करिए, और इंशाल्लाह मैं अगले केस स्टडी में इसके सॉल्यूशन के साथ आपके साथ मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।